समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या योगदान करना होगा। इस भारतवर्ष के अंदर ही नहीं, विश्व के अंदर सभी लोगों ने इस समाज को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, बैकवर्ड, यानी हम सबको एक मिला के बहुजन समाज कह दें, कोई कोताही नहीं होगी। इनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मानवर कांसीराम साहब और अन्य लोगों ने भी दिया। उसी तरीके से हमारे बीच में जय भगवान जाटव जी, जिन्होंने अरसों से बरसों से समाज को आगे बढ़ाने के लिए पूरा योगदान दिया है और योगदान दे रहे हैं। आज जो मीटिंग का जो संदर्भ था वही था जो आज राजेंद्र पाल गौतम जी के यहाँ जो मीटिंग हुई, उनके निवास स्थान पर मीटिंग हुई कि इस समाज को हम कैसे आगे बढ़ाएं। आज की मीटिंग की अध्यक्षता जय भगवान जाटव जी ने की। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि आज इस मीटिंग का क्या हाल निकला। सर, आज इतने सभी संगठनों के लोग यहाँ पर चलकर आए और आज यहाँ मीटिंग हुई, सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है, और तो आज जो इसकी मीटिंग से क्या निर्णय निकला है? मीटिंग जो रखी गई है ये पहली बार हुआ है, समाज के लोगों को बुलाया गया, उनकी समस्याओं से जो लोग अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी बात आज सुनी गई और सुन करके अब आगे का कार्यक्रम बनाया गया है। मैंने भी अपने कुछ कार्यक्रम दिया है कि दिल्ली के अंदर यदि कुछ कार्यक्रम लागू करने हैं तो संक्षेप में मैं आपको एक दो बातें बता देता हूं। मैंने पहला कार्यक्रम दिया है कि दिल्ली के अंदर कम से कम 1000 कियोस्क दिल्ली के सड़कों पे मेन मेन एरियो में, बाजारों में बना करके दलित समाज के लोगों को दिए जाए। कियोस्क क्या होता है सर? कियोस्क होता है छोटी दुकान, जिस तरह से ये आप देख रहे हैं बाबा साहब का बना हुआ स्टेचू के बीच में, इस तरह की थी। इससे बड़ी बड़ी दुकानें होती है, उसमें सब तरह का खाना पीना, चाय पानी कुछ भी कर सकते हैं, उसको कियोस्क बोलते हैं, तो वो रखा जाए। दूसरा मैंने कहा है फ्लैटेड फैक्ट्री, यहाँ दिल्ली में फ्लैटेड फैक्ट्री कुछ बनी है, जैसे मंगोलपुरी में बने हैं फ्लैटेड सेट्स बनते हैं उनके, और झंडेवालान में बनी है, उधर अम्बेडकर नगर में उधर संगम बिहार की तरफ उधर बनी हुई है। इस तरह की हमने कहा मल्टी स्टोरी को जगह की तंगी बताते हैं ये, यदि जगह की तंगी है तो 12-12 मंजिल स्टोरी में बना दें। ये हम लोग इनके सामने रखे हैं बात, आगे भी और रखेंगे, उसको लिखित में रखेंगे, और ऑलरेडी पहले भी मैंने 5-7 साल पहले रिपोर्ट दी हुई है लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है उसका है। फिर मैंने कहा 500 कैंटर, बड़े बड़े टेम्पू जो होते हैं उनके ऊपर दुकान बनाई जाए, जैसी लाइब्रेरी चलती फिरती लाइब्रेरी देखी है ऐसे हमने चलती फिरती दुकानें बनाना चाहते हैं, और वो दुकानें जब बनेगी हम करोड़ों रुपए की दुकान नहीं खरीद सकते जी, लेकिन हम कैंटर पे बनी हुई दुकान को कहीं भी खड़ी करके जहाँ भी पॉइंट निश्चित होंगे वहाँ हम डेली, तो 500 कैंटर हम पहले साल में लगा करके दिल्ली में चलाना चाहते हैं। उसके दो फायदे होंगे, कभी कभी सरकार परेशानी में आती है, जब सरकार परेशान, महंगाई होती है या टमाटर गायब हो गया, प्याज गायब होगी, तो सरकार चाहती है कि उन्हें बेचना है, तो उनके लिए भी ये काम आ सकते हैं, सरकार के काम भी आ सकते हैं, और ये लोग अपना कमाएंगे अपना खाएंगे। और कहीं इन कैंटर ये 15 लाख रुपये बनकर तैयार हो जाएगा तो 15 लाख रुपये गवर्नमेंट उनको लोन देगी, फ्री नहीं देगी, बिना ब्याज के लोन दे, और वो लोग इस पर अपना वो बनाएंगे, वो चलाएंगे। फिर हमने बनाया 1000 कैटरिंग वैन दे दे हमारे नौजवान लड़के लड़कियों जो पढ़े लिखे हैं, तो कैटरिंग वैन का मतलब है कि खाने पीने की चीज़ें उसमें लोग बिकेंगे, ऐसी दिल्ली में कुछ कैटरिंग वैन लगी हुई है, 1000 कैटरिंग वैन हमारे बच्चों की लगवाई जाए तो उसमें काफ़ी 1000 परिवार गुजारा कर सकते हैं।